हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये मैंने आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ के बताई। हमारा संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। भारतीय संविधान बनकर जब तैयार हुआ उस समय देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जानकारों द्वारा इसको बनाने के लिए अपना योगदान दिया गया। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अधिकतर सदस्यों ने समान नागरिक कानून के जल्द से जल्द लागू करने के प्रस्ताव को रखा था। राजकुमारी अमृता कौर ने तो ये तक कह दिया था कि यूनिफॉर्म से बिल्कुल को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद यूनिफॉर्म से बिल्कुल अब तक देश में लागू नहीं हुआ। इसके कई मायने हैं। कई बार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी इन चीज़ों से सरकारें बचती आई हैं। अब वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तेज हुई है। देश भर में यूसीसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसको भटकाने के लिए कई प्रयास भी चल रहे हैं। दरअसल समान नागरिक संहिता को लेकर धर्मों के बीच में एक दीवार खड़ी करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिमों को इस संहिता से परेशानी होगी, उन्हें कई कष्ट झेलने पड़ेंगे, जबकि ये किसी भी धर्म मजहब पंथ संप्रदाय पर कोई भी असर नहीं डालने वाला। इसमें मुस्लिम आसानी से निकाह कर सकेंगे, सिख आनंद कारण कर सकेंगे, हिंदू अग्नि के समक्ष फेरे ले सकेंगे और ईसाई होली मैट्रिमोनी इत्यादि वैवाहिक रीति रिवाज कर सकेंगे। दरअसल समान नागरिक संहिता जो कानून है वो विवाह तलाक गुजारा भत्ता उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण इत्यादि अवयवों पे काम करेगा। इसका कोई भी संबंध हिंदू मुस्लिम विवाद से नहीं है। यह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों जैसे शब्दों के परे है। सरकारों का इस पर कहना है कि विगत 75 वर्षों से जिन अधिकारों से महिलाएं और बच्चे वंचित रहे हैं ये उनके अधिकारों को वापस करने के लिए है। समान नागरिक संहिता को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सरकार का सही निर्णय है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको कुछ सवाल सरकार के इस निर्णय पर खड़े करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम प्रयास करेंगे उनको अपनी अगले वीडियो में लेने का।